नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। आसान सा क्वेश्चन है तो फटाफट क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। पहले जैसा आप पढ़ चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो बस वैसा ही है, ठीक है। फाइंड द रेशियो, इसमें भी रेशियो फाइंड करना है। क्या बोल रहा है, पी लाई कर रहा है एबी पे, ठीक है। तो वो जो पी लाई कर रहा है एबी पे, तो वो पी जो पॉइंट जिस रेशियो में एबी को डिवाइड कर रहा है उसको फाइंड करना है, और पी में एक जो वाई दिख रहा है आपको उस वैल्यू को भी फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ए और बी इंडिकेट कर लीजिए। मेरे पास ए और बी ये है, ए ये है और ये बी है। मेरे पास ए कितना बोला गया है, ए मेरे पास -310 बोला गया है, तो -310 रख लीजिए। और बी, बी कितना बोल रहा है, बी मेरे पास 6-8 बोल रहा है, तो 6-8 रख लीजिए, ठीक है, -8 रख लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है, पी कहीं पे एक पॉइंट है जिसका क्या दिया गया ऑर्डिनेट -1 और वाई दिया गया है, और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसको फाइंड करना है, और इस वाई के वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो रेशियो हम लोग केस टू वन एज्यूम करते हैं, तो ये आप लोग को पता होगा, ठीक है, ये आपको पता होगा कि केस टू वन में एज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया भी है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या एज्यूम कर लेते हैं, सबसे पहले कुछ एज्यूम कर लीजिए। तो इसको हम लोग x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको x2 y2 एज्यूम कर लेते हैं, इसको x y एज्यूम कर लेते हैं, और ये रेशियो क्या केस टू वन है, तो लिखेंगे लेट द रेशियो वी के इज टू वन, ठीक है, मतलब केस टू वन ऐसा, ठीक है। चलिए खत्म। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि रेशियो की बात आ गई तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना मस्ट है, ठीक है। तो लिखिए y सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हम लोग, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n होता है। x कितना है, -1 है, तो बस -1 लिख दीजिए, इक्वल का साइन m कितना एज्यूम किए, इधर m कितना हो गया, k हो गया, तो बस k लिख दीजिए। और x2 कितना है, x2 मेरे पास 6 है, तो 6 लिख दीजिए, प्लस साइन n कितना है, n है 1, तो 1 लिख लीजिए। x1 कितना है मेरे पास, -3, तो -3 लिख दीजिए। m + n क्या, तो k + 1, क्लियर। सॉल्व करते हैं, तो -1 = 6k - 3 डिवाइडेड बाई k + 1, कुछ मत कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ नीचे 1 है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, 1 को 6k - 3 से कर लीजिए, या आपकी मर्जी जैसे भी कर सकते हैं, आंसर लाने से मतलब है, ठीक है। तो 1 को 6k से करेंगे तो 6k आ जाएगा, माइनस साइन है, 1 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, इक्वल का साइन दे दीजिए। k को -1 से करेंगे तो -k हो जाएगा, और 1 को -1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, k वाले को उधर कर लीजिए, 3 को उधर कर लीजिए, ठीक है, यहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6k, और ये -k को इधर करेंगे तो +k आ जाएगा ऐसा, ठीक है। -3 को उधर करेंगे तो +3 में आ जाएगा, और ये -1, मतलब क्या, 6k + k कितना आ जाएगा, 7k आ जाएगा, 7k इक्वल टू कितना आ गया, 3 - 1 = 2 हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 2:7 हो गया, और यही रेशियो भी हो जाएगा इस केस में, ठीक है। रेशियो कितना आ गया, 2:7 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, y का वैल्यू निकालने के लिए y वाला ऑर्डिनेट लगा देंगे, y वाला फॉर्मूला, ठीक है। इस कंडीशन में m और n हम लोग को मिल चुका है, तो बस कुछ नहीं करना है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m y2 + n y1 डिवाइडेड बाई m + n, ठीक है। y यहाँ पे y तो फाइंड ही करना है, m कितना है मेरे पास, m है मेरे पास 2, तो बस 2 पुट कर लीजिए। y2 कितना है, -8 है, तो -8 पुट कर लीजिए, प्लस साइन दे दीजिए। n कितना है, 7 है, तो 7 पुट कर लीजिए, ठीक है। y1 कितना है, 10 है, तो ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत आएगी क्या, कि सर यहाँ पे n 1 किए थे, तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम किए थे इसलिए 1 आ रहा था, यहाँ पे हम लोग का फाइनल आंसर आ चुका है, इसलिए हम लोग ये ले रहे हैं, ठीक है। चलिए और m कितना है मेरे पास, 2 + 2 + 2 + 7, और एक बात याद रखिएगा, ये एज्यूम जो हम लोग केस टू वन में है, तो फिर से वो वैल्यू नहीं ले सकते, अगर वैसा ले रहे हैं तो ये जो k का 2/7 आ रहा है वो वैल्यू पुट करके हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है, वरना आप m और इनका अलग अलग वैल्यू निकल चुका है, वैसे पुट करके बना लीजिए, ठीक है। चलिए कितना आ जाएगा, -16 + 70 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा,
इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 54/90 है, ये कितना आ जाएगा 6 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब y कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और रेशियो मेरा 2:7 आ जाएगा। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।